हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुर्दा से मैं हूं बशर। तो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग इंडिया वॉन टोटल 107 मेडल्स इन एशियन गेम्स। 28 हो गए मेडल टोटल जीत चुके हैं और क्रिकेट में भी गोल्ड जीत लिया है भाई। इंडिया तबाही लगाया हुआ है और टोटल 107 मेडल से ज्यादा जीत चुकी है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? हमने टोटल मेरे ख्याल में 3 मेडल जीते हैं। अफगानिस्तान हमसे ऊपर है। वाह यार, मतलब काउंट करते हैं 3-1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। क्यों इंडिया इतनी अनस्टॉपेबल बनी हुई है? ये 2023 के लिए जो हैशटैग इस बार 100 पार की जो बात की गई थी, मांगे 100 मेडल्स थे रेसलर्स को, जिया नौमीदी दिखा के गए इंडिया की कैंपेन के अंदर। एथलेटिक्स ने कमाल कर दिया और इंडिया 104 मेडल्स पे खड़ा हुआ है। 28 गोल्ड, 33 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल, 105 के करीब इस वक्त तक मेडल उनके हो चुके हैं, इसमें 28 गोल्ड जो है 107 हो गया। वो इंडिया इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट यार। हमें जिस टीम से उम्मीद थी एशियन गेम के अंदर, एटलीस्ट हमारी क्रिकेट की टीम हमें गोल्ड जितवा के देगी, वो भी हमसे छीन गया। पूरे पाकिस्तान को दुख ये नहीं है कि पाकिस्तान हार गया, बाहर हो गया। असल जो दुख है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये है कि इंडिया गोल्ड मेडल जीत गया क्रिकेट के अंदर। ये सबसे बड़ा दुख। नौजवान, जिस मुल्क के नौजवान जिहाद जिहाद खेलेंगे, जिस मुल्क के नौजवान सियासत सियासत खेलेंगे, वो दूसरे खेल नहीं खेल सकते। वो फिर यही खेल खेलते रहेंगे और जो जो खेल खेले जा रहे हैं मुल्क में, वो फिर आप वही खेलते रहें। तमाम खेल जो असल खेल है वो दूसरे खेल रहे हैं और उसमें जो है वो आगे बढ़े हैं, मेडल्स हासिल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर रहे हैं। जो आप लोग भी सुन के हैरान होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने 450 करोड़ अभी करंट ओलंपिक साइकिल में सपोर्ट के लिए दिए। वो तो टॉप 10 में चौथे नंबर पे है। आप तो ना टॉप 10 में हो, ना टॉप 20 में हो, ना टॉप 30 में हो। शर्म नाम की आप में चीज नहीं है। मुल्क का नाम बदनाम करवा रहे होते हो हर जगह पे जाके आप लोग। और फिर वो जिहाद लड़ लिया और सब जिहादी निकले। तो ये स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कुछ हो सका? इसमें क्यों नहीं आगे जा सके? कुछ तो कर लेते। शर्म करो, यकीन करो, शर्म करो। पता नहीं इनको क्यों भेज देते हैं, करने के इनको भेज देते हैं, घंटा बजा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत ने इस साल एशियन गेम्स में कमाल कर दिया है और 100 मेडल के साथ, मतलब भारत ने तो 100 मेडल क्रॉस करके 107 मेडल इस एशियन गेम्स में ले लिए, जो कभी हमारे लिए सपना था कि हम कभी 100 मेडल जीतेंगे भी एशियन गेम्स में जाकर, तो हमने ये आज हासिल कर लिया है। ये सपना आज हमारा सच हो गया है, जिसमें 107 मेडल में 28 गोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि 28 गोल्ड हमने कभी हासिल नहीं किया था, लेकिन इस बार हमने 28 गोल्ड भी हासिल कर लिए और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन हमने अचीवमेंट कर लिया है कि 100 पार हम कह रहे थे और हमने 107 तक आकर फिनिश किया। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान सभी मिलाकर 3 मेडल ही जीता है पाकिस्तान। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा मायूसी देखने को मिला है और उन्होंने कह रहे हैं कि भाई भारतीय हमसे इतने आगे कैसे बढ़ गए, वो 107 मेडल जीत रहे हैं, हम 4 मेडल तक नहीं जीत पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो गेम पर। और इंडिया एक मरतबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अब इंडिया ने तारीख रकम की है। जो एक तारीखी बाब लिखा है वो लिखा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहां पर। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटी कामयाबी भी नहीं है। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफी अरसे तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा, जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह होगा? पाकिस्तान का हमसाया कंट्री इनको बीट करने के लिए खेलों में भी पहुंच गया है। आप ये सोचने की बात है कि इंडिया पूरी दुनिया में जहां पर कंट्रीज को जो है वो बीट कर रहा है इकोनॉमी में और मुख्तलिफ जो हम बताते हैं इस हवाले से खबरें, तो खबर ये है कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया उनको बीट करने पहुंच गया है। उनके पास देखिए ना, कितने करीब पहुंच चुका है, 100 मेडल्स होता रहता है। 75 साल में आपका वक्त कब अदल बदल हुआ? एक ही वक्त है आपके ऊपर और वो कोई बहुत ही कड़ा वक्त है। मैं देख रही थी कि जो पाकिस्तान है उसके मेडल्स कितने हैं, तो 3 मेडल्स ले लिए जनाब, माशाल्लाह, क्या बात है, मुबारक हो आपको। इसके ऊपर तो सुभान अल्लाह कहना बनता है। 3 मेडल्स आपने हासिल कर लिए, बड़ी बात है। पता नहीं 3 नजर तो आ रहे हैं मुझे, 3 ज्यादा है तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने 1-2 कम कर दिए। और आप इसके ऊपर आएंगे कि देखिए आप तो जो है उनके तराने गा रही हैं, मेडल कम कर दिए पाकिस्तान के, तो भाई मैं माफी चाहती हूँ अगर 1-2 ज्यादा है और मैंने कम कर दिया। 3 मेडल्स मुझे नजर आ रहे हैं और आप यकीन करें कि ये 3 मेडल्स हमेशा से चलते चले आ रहे हैं, ये 1-2-3।
और टीम जो है वो टोटल 7 लोगों की पोजीशन गेम ओलंपिक्स में तो ब्रॉन्ज भी नहीं होता है हमारी इतने डिसऑनेस्टी है हमारे अंदर। हां हम एक जो है अपनी स्पोर्ट्स तक को ठीक नहीं कर सके, ये आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स तक को ठीक नहीं कर सका, आगे नहीं जा सका कंट्रीज हैं। जब बांग्लादेश जो है उसने लीड किया पाकिस्तान को एशियन गेम्स क्रिकेट ब्रॉन्ज जो है लास्ट बॉल थ्रिलर, ये बांग्लादेश तो उसमें ये था कि पाकिस्तान इसके अंदर हासिल कर लेगा लेकिन उसमें बांग्लादेश ने बीट कर दिया, एक इसी उम्मीद हो गई। कोई बात ठीक है कि चले, बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आप कहें कि पाइना आते आएगा ये तो ये है तो इसमें हम कैसे कर लें, वो तो बहुत आगे चले गए इसमें तो हो ही नहीं सकते, तो सर स्पोर्ट्स में कैसे चले गए वो आगे बताएं ना मुझे, इसके लिए कौन सी गिदड़ सिंगी चाहिए, कौन सा ऐसा हुनर चाहिए, कौन सा ऐसा वो चाहिए कि जिसमें वो इसमें भी वो गए और फिर वो जिहाद लड़ लिया और सब जिहादी निकला, तो ये स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कुछ हो सका, इसमें क्यों नहीं आगे जा सके, कुछ तो कर लेते सर। ये स्पोर्ट्स में ना गेम्स में नौजवान नस्ल उस वक्त आगे जाती है कि जब उसको जिहाद का ना पता हो, जो हम क्या खेल रहे हैं, हम सियासत खेल रहे हैं, हमारे नौजवान सियासत खेल रहे हैं, हमारे नौजवान जिहाद खेल रहे हैं। तो जो नौजवान जिस मुल्क के नौजवान जिहाद खेलेंगे, जिस मुल्क के नौजवान सियासत खेलेंगे, वो दूसरे खेल नहीं खेल सकते, वो फिर यही खेल खेलते रहेंगे और जो जो खेल खेले जा रहे हैं वो फिर वही खेलते रहेंगे तमाम खेल। जो इसी के साथ यार वीडियो खत्म भाई, फोकस एक चीज पे जब तक नहीं रखोगे कभी भी नहीं जाओगे। इंडियन का आप देखो कुश्ती में फोकस है तो उनका कुश्ती में ही फोकस है, वो और किसी चीज में नहीं घुसते। अच्छा उनका अगर फुटबॉल में फोकस है तो ओनली में फोकस है, वो किसी और चीज में नहीं घुसते। और देखो यही वजह यही रीजन है कि आज इंडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, 107 अभी एक दिन रहता है, एक दिन पूरा होते होते मेरे ख्याल में 120 मेडल्स तक की बात जा सकती है। एक बार पाकिस्तान ये क्यों इस तरह कर रहा है, देखो इसमें तीन मेन वजह है। पहली वजह हमारे मुल्क का कोई भी शोभा देख लो, क्रिकेट को छोड़कर बाकी किस में हमारी पैसा दगा रही है, मजे की बात क्रिकेट में भी हम कुछ पैसा रहे हैं। ओलंपिक्स के लिए 450 करोड़ इंडिया ने उनके ऊपर खर्च किया है, 450 करोड़ 2024 का ओलंपिक्स है। इधर का नौजवान उसको सियासत का बता दो, उसको बता दो क्या कर रहा है, आज किसके खिलाफ बात कर रहा है, वो इसकी तरफ ध्यान करेगा, वो ये ध्यान नहीं देगा। और अगर यार गलती से मैं इसमें ये सीधी सिंपल सी बात करूंगा, अगर कोई गलती से कोई टैलेंट हमारा निकलता है ना, उसके ऊपर ना ये मेहनत करते हैं ना पैसा लगाते हैं, ये तो नहीं ना कि सिर्फ आया और भाई हम चले गए ओलंपिक्स में, भाई इसके ऊपर मेहनत होती है। नीरज चोपड़ा ने अपने ऊपर कोच रखे हुए हैं, वो उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, वो हर साल गोल्ड लेकर आ रहे हैं हर जगह पे गोल्ड, क्यों गवर्नमेंट खर्चा करती है हमारे ऊपर सिवाय क्रिकेट के। आज तक एक हॉकी हमारी अभी तक इंडिया पे भी खर्चे नहीं होते थे, सीधी सी बात है। अभी इंडिया 450 करोड़ शुरू इंडिया ने की है अपने प्लेयर्स पर, देखो रिजल्ट कैसा मिलता है। और दूसरा ना हमारी एजुकेशन ऐसी है ना हमारे लोगों में, आप सच बताऊं ना सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे लोगों में वो जज्बा ही नहीं रहा कि हम खेलेंगे हम ये करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम निकले कहीं जॉब करें बाहर पेट पाले, ये सिस्टम हो गया हमारे मुल्क में। सही बताऊँ आपसे, कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।